अबू धाबी यूएई का कैपिटल है, जो कि दुबई से 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। लोग पहले दुबई घूमने आते थे, दुबई घूमकर ही चले जाते थे, बट अभी कुछ टाइम से ऐसा हुआ है कि लोग अबू धाबी भी काफ़ी ज़्यादा विजिट कर रहे हैं। यानी जो लोग दुबई की आइटनरी बनाते हैं उसमें से अपने एक या दो दिन अबू धाबी के लिए भी देते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको 2 डेज के अबू धाबी की आइटनरी बताऊंगा, इससे आपको अबू धाबी ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी, अगर आप यूएई का प्लान कर रहे हैं, दुबई घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको अबू धाबी भी विजिट करना चाहिए। अबू धाबी एक बहुत अच्छा सिस्टमेटिक सिटी है और इसमें करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। मोस्टली लोग 1 वीक का दुबई का प्लान बनाते हैं, तो उसमें से क्या है कि 5-6 डेज दुबई के लिए हो जाते हैं, 2 डेज अबू धाबी के लिए हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने 2 डेज ही रखे हैं अबू धाबी के लिए। 2 डेज में आप जो जो कवर कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या आप देख सकते हैं अबू धाबी में। तो अबू धाबी की आइटनरी दुबई से ही स्टार्ट करते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जिस पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हाउ टू गो अबू धाबी फ्रॉम दुबई। दुबई से टूरिस्ट अबू धाबी 2 तरह से जा सकते हैं, एक तो टैक्सी कर सकते हैं, दूसरा बस ले सकते हैं। टैक्सी कॉस्टली पड़ेगा, बस बहुत चीप पड़ जाता है, मात्र 25 दिरहम में आप दुबई से अबू धाबी जा सकते हैं। अल गुबैबा बस स्टेशन है बरदुबई के अंदर, वहाँ से बस लेना है, और वो अल वहदा सेंट्रल बस स्टेशन है अबू धाबी का, वहाँ पर वो ड्रॉप करती है। तो मात्र 25 दिरहम का आपका टिकट जाएगा, वो बेस्ट ऑप्शन है जाने के लिए। दुबई अल गुबैबा बस स्टेशन से अबू धाबी अल वहदा स्टेशन की जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर हो जाती है। अब बात करते हैं हाउ टू गेट अराउंड इन अबू धाबी, यानी आप अबू धाबी में जो ट्रैवल करेंगे वो किससे करना आपके लिए बेटर रहेगा। देखिए, अबू धाबी में बस चलती हैं, एक बस का कार्ड होता है, जैसे दुबई में मेट्रो कार्ड होता है, अबू धाबी में मेट्रो नहीं चलती है, तो उनका बस का कार्ड होता है, उसको हफीलात कार्ड बोलते हैं। तो ये हफीलात कार्ड सभी बस में चलता है, ये किसी भी बस स्टेशन पर मिल जाता है, 10 दिरहम का होता है, और इसका जो एक शॉर्ट ट्रिप होता है वो 2 दिरहम खर्च होता है। आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है सेम जोन में, तो आपको 2 दिरहम लगेगा ओनली। तो अबू धाबी लोकल ट्रैवलिंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एज ए टूरिस्ट 2 डेज के लिए आएँ तो टैक्सी ही लें, क्योंकि बस में ज़्यादा टाइम जाएगा, तो आप ज़्यादा फिर डेस्टिनेशंस अट्रैक्शंस कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके लिए बेटर रहेगा कि आप टैक्सी ही करें। तो अब बात करते हैं वेयर टू स्टे इन अबू धाबी। देखिए, जो आपको 2 दिन की आइटनरी बताई है मैंने अबू धाबी की, अगर आप दुबई से स्टार्ट करेंगे तो दुबई की आप अर्ली मॉर्निंग निकल सकते हैं, यानी आप 6:41 के अराउंड बस मिलती है, उससे निकलिए तो आप टाइम से 9:30 के अराउंड या 9 के अराउंड पहुंच जाएंगे। तो आपका क्या है कि आपको पूरा दिन मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको अल वहदा बस स्टेशन पर उतरना होगा अबू धाबी के। अल वहदा, अल दाना, ये पुराने एरिया है अबू धाबी का, हार्ट ऑफ अबू धाबी बोला जाता है। यहाँ पर होटल भी आपको अफोर्डेबल बजट में मिल जाएंगे, 200 दिरहम तक में आपको 3-स्टार होटल मिल सकता है। अगर आप अपना पूरा लगेज लेके आए हैं तो फिर आपको क्या है, होटल इमीडिएटली बुक करना होगा। तो आप पहले से चेक कर लीजिए booking.com पर, अल वहदा बस स्टेशन के आसपास के एरिया में अलदाना भी पास में है, वहाँ से ये 3-4 किलोमीटर की रेंज में ये मिल जाते हैं। यहाँ पर होटल आपको दिख जाएंगे सस्ते, और वहाँ पर आप लगेज रख के फिर अपना आइटनरी स्टार्ट कर सकते हैं। तो day 1 की आइटनरी में सबसे पहले आपको विजिट करना है शेख जायद ग्रैंड मॉस्क। ये जो बस स्टेशन है अल वहदा बस स्टेशन अबू धाबी का, उससे 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से आप बस कर सकते हैं, अदरवाइज आप टैक्सी ले सकते हैं। टैक्सी लेना बेटर रहेगा, आप टाइम से पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने लगभग 2 आवर्स स्पेंड कर सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको। ये 30 एकड़ में फैला हुआ एक बहुत बड़ा मॉस्क है, यूएई का सबसे बड़ा मॉस्क है, वाइट कलर का, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना हुआ है, ये अंदर से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इसमें नॉन मुस्लिम भी विजिट करने के लिए जाते हैं। मॉस्क की कोई भी एंट्री फी नहीं है, फ्री एंट्री है। टाइमिंग है 9 AM to 10 PM। लोकेशन है शेख राशिद बिन सईद स्ट्रीट अबू धाबी। ग्रैंड मॉस्क विजिट करने के बाद आपको यास आइलैंड जाना है। यास आइलैंड की डिस्टेंस ग्रैंड मॉस्क से 30 किलोमीटर की है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपको 4 मेजर एक्टिविटीज़ बताता हूँ। 1 फरारी वर्ल्ड, यस वाटर वर्ल्ड, वार्नर ब्रोस एंड सी वर्ल्ड। फरारी वर्ल्ड अबू धाबी एक इंडोर थीम पार्क है, ये वर्ल्ड का पहला फरारी पार्क है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसकी रूप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनी हुई है। फरारी वर्ल्ड में रोलर कोस्टर बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये 4.9 सेकेंड में 0 to 240 meters की स्पीड पकड़ लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्केरी लगता है। फरारी वर्ल्ड की टिकट प्राइस है 345 दिरहम। टाइमिंग है 12 PM to 8 PM एंड लोकेशन है यास आइलैंड। अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या करना है, या तो आप यस वाटर वर्ल्ड कर सकते हैं या फिर आप वार्नर ब्रोस कर सकते हैं। वार्नर ब्रोस एक इंडोर थीम पार्क है, इसमें 2 रोलर कोस्टर हैं और इसमें भी काफी स्केरी एक्टिविटीज है करने के लिए। ये एक इंडोर थीम पार्क है, फुल एयर कंडीशन पार्क है। यस वाटर वर्ल्ड फरारी वर्ल्ड से ओनली 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ये बहुत बड़ा पार्क है, इसमें आप 40 राइड्स कर सकते हैं, स्लाइडिंग भी कर सकते हैं,
यस, वाटर वर्ल्ड का टिकट प्राइस है 295 दिरहम, टाइमिंग है 10 AM टू 7 PM, लोकेशन है यस आइलैंड। आप चाहें तो यस वाटर वर्ल्ड को पहले कर सकते हैं, फरारी वर्ल्ड को लास्ट में कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 AM से स्टार्ट हो जाता है, तो अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो आप इसको पहले कर सकते हैं। अगर आपको और जो मैंने दो एक्टिविटीज बताई थी, फोर एक्टिविटीज जो मेजर हैं, उसमें अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मेरी एक अदर वीडियो चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने टॉप 13 एक्टिविटीज बताई हैं, इसमें मैंने यस वाटर वर्ल्ड की फोर एक्टिविटीज कवर की हैं। डे टू की आइटनरी स्टार्ट करते हैं यूएई के प्रेसिडेंट के रॉयल पैलेस से, जिसको कासर अल वतन बोला जाता है। ये बहुत ज्यादा फेमस रॉयल पैलेस है, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बनाया गया है, ये एक अरब कल्चर के हिसाब से बनाया गया है, इसको जरूर विजिट करना चाहिए। कासर अल वतन के आसपास का एरिया भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। कासर अल वतन का टिकट प्राइस है 65 दिरहम, टाइमिंग है 10 AM टू 5:30 PM, लोकेशन कासर अल वतन। कासर अल वतन कंप्लीट करने के बाद में आपको ऑब्जर्वेशन डेक एट 300 जाना है। ये एतिहाद टावर में है, एतिहाद टावर 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है कासर अल वतन से, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिखाई देंगी। ये 3 और 4 बिल्डिंग है जो कि पास पास बनी हुई है। फास्ट एंड फ्यूरियस 7 की शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। एतिहाद टावर के 74th फ्लोर पर 282 मीटर की अब जाकर अबू धाबी का बहुत ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देता है। ऑब्जर्वेशन डेक की आफ्टरनून टी बहुत ज्यादा फेमस है, इसकी टिकट प्राइस है 260 दिरहम, टाइमिंग है 12 PM टू 8 PM, लोकेशन है एतिहाद टावर 74 लेवल कॉर्निश रोड। ऑब्जर्वेशन डेक कंप्लीट करने के बाद एतिहाद टावर से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सादियात आइलैंड में लूब्र म्यूजियम है। लूब्र म्यूजियम बहुत अच्छी एक्टिविटीज है, यहाँ पर आपको काफी ज्यादा पुरानी पुरानी चीजें देखने को मिलेगी, इजिप्ट की, जॉर्डन की और भी कंट्रीज के यहाँ पर कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। ये भी बहुत ब्यूटीफुल बनाया गया है, इसके आसपास का एरिया भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। लूब्र म्यूजियम की टिकट प्राइस है 60 दिरहम, इसकी टाइमिंग है 10 AM टू 7 PM, वीकेंड पर 10 AM टू 9 PM, और इसकी जो लोकेशन है वो है सादियात आइलैंड। लूब्र म्यूजियम कंप्लीट करने के बाद में आपको जाना है जुबेल मैंग्रोव पार्क। ये मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा क्योंकि मैं नेचर लवर हूं और यहां पर आपको नेचर दिखाई देगा। जुबेल मैंग्रोव सेंचुरी मरीन लाइफ का होम है, यहां पर बहुत ज्यादा स्पीशीज देखने को मिल जाते हैं। यहां पर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस का वॉर्ड वॉक बना हुआ है, इसका भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहां पर कयाकिंग कर सकते हैं, कयाकिंग के लिए आपको 110 दिरहम खर्च करना पड़ेगा, और यहां पर आपको सनसेट दिखाई देगा क्योंकि शाम हो जाएगी और ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा आपको। तो ये मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा, ये आप जरूर विजिट कीजिए। जुबेल मैंग्रोव पार्क की टिकट प्राइस है 15 दिरहम, जो भी आप अदर एक्टिविटीज करेंगे जैसे कयाकिंग है या और भी अदर एक्टिविटीज है उसका अलग से टिकट प्राइस है। इसकी टाइमिंग है 7 AM से 9 PM, लोकेशन जुबेल आइलैंड अबू धाबी। तो फ्रेंड्स, ये थी अबू धाबी की 2 डेज की आइटनरी। अगर आप फर्स्ट टाइम यूएई विजिट कर रहे हैं तो ये वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने दुबई से रिलेटेड और भी वीडियो बनाई हुई हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकती हैं। मैंने अबू धाबी की 13 प्लेसेस की वीडियो बनाई हुई है, जो मोस्ट विजिटिंग प्लेसेस हैं 13, वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप दुबई जब आएँ तो लास्ट में जो आप अबू धाबी की आइटनरी रखेंगे तो आप अपना रिटर्न टिकट अबू धाबी से भी बना सकते हैं, ये भी आप ऑप्शन रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, कोई भी डाउट होता है जरूर पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।